सांसद दुष्यंत चौटाला का कहना है कि 17 नवंबर को समर्थक दिवाली की तरह एक और खुशी मनाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला प्रधान महासचिव अजय सिंह चौटाला द्वारा लिया जाएगा वह फैसला सभी के लिए मान्य होगा। दुष्यंत चौटाला अपने सिरसा आवास पर कार्यकर्ताओं से दिवाली पर्व के अवसर पर समर्थकों से मिल रहे थे। मैं दिवाली के इस पावन पर्व की और विश्वकर्मा दिवस की सभी प्रदेशवासियों को देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ये त्यौहार आपके घर में समृद्धि खुशियाँ लाने का काम करे और इस प्रदेश को और उन्नति की ओर ले जाने का काम। आगे किस तरह से आगे रहेगा 17 तारीख लगातार लोगों का संवाद रहेगा। ये पावन पर्व है, खुशियाँ लेकर आता है और आने वाले समय में मैं तो आपको विश्वास देगा तो सबके लिए खुशियाँ आएगी। 17 तारीख को कैसे क्या होगा? तो फैसला जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल करेंगे उसके ऊपर सारे कार्यकर्ता मोहर लगाएंगे। लेकिन दिवाली में खुशियाँ लेकर आएंगे। बिल्कुल। वहीं अजय सिंह चौटाला भी अपने निवास स्थान पर मौजूद थे और दिवाली की बधाई देने वाले समर्थकों का तांता लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर तक उनका जनता से लगातार सीधा संवाद जारी रहेगा। विश्वकर्मा दिवस की और कल भैया दूज की पावन पवित्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं अपनी तरफ से प्रदेशवासियों को देशवासियों को देता हूँ कि परमात्मा जिस तरह उन्होंने इस सुंदर संसार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उसको और चार चांद लगाने का काम करें। सर आज लगातार समर्थक आ रहे हैं, पहले भी है, अब आगे 17 तारीख तक क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे? प्रोग्राम यही है, लोगों के बीच में जाना है, सब जगह पूरे हरियाणा प्रदेश में जाऊंगा। आज विश्वकर्मा के दिन अजय चौटाला व दुष्यंत चौटाला ने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ मिले और बहुत कुछ नजर आए। उन्होंने कहा कि आने वाली 17 तारीख के बाद समर्थकों को और भी खुशियां मिलेगी। जिस तरह आज अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला अपने समर्थकों को मिलकर जोश में नजर आए उसको देखकर तो यही लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो खिचड़ी पक रही है और बड़ा फेरबदल होने वाला है। क्या धमाका करने वाले हैं अजय चौटाला 17 तारीख के बाद, अभी इस बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट।